लोकसभा चुनाव के बीच महागठबंधन में अनबन तेज होने लगी है। बिहार महागठबंधन में अब खुलकर विरोध सामने आने लगा है। टिकट कटने से नाराज नेता अब अपने बल पर चुनाव लड़ने की फिराक में है। कई नेताओं ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे कई सीटों पर महागठबंधन का दावा है, वहीं से बगावत के सुर तेज होने लगे हैं। मुसलमान समुदाय के दो बड़े नेताओं ने महागठबंधन का साथ छोड़कर अकेले दम दिखाने की बात कर रहे हैं। इस फेहरिस्त में सबसे बड़ा नाम कांग्रेस के दिग्गज नेता शकील अहमद का है। सबसे पहले तो उन्होंने कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी नाराजगी सबके सामने रख दी और अब वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ने की घोषणा तक कर चुके हैं। दरअसल बिहार की मधुबनी सीट वीआईपी के खाते में जाने से शकील अहमद नाराज है और महागठबंधन के सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत मधुबनी लोकसभा सीट विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के खाते में गई है। इस सीट से सांसद रहे शकील अहमद भी सीट बंटवारे के बाद से ही पार्टी नेतृत्व से बातचीत कर किसी समाधान की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब जबकि नामांकन में बेहद कम वक्त बचा है तो शकील अहमद ने अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसे लेकर शकील अहमद ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मैंने फैसला कर लिया कि लड़ूंगा, मैंने ऐलान भी कर दिया कि नॉमिनेशन फाइल करूंगा 16 को। आपको बता दें कि वीआईपी ने बद्री पूर्वे को मधुबनी से अपना उम्मीदवार बनाया है। पूर्वे का मुकाबला भाजपा ने दिग्गज सांसद हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे अशोक यादव से है। शकील अहमद 1998 और 2004 में मधुबनी सीट से लोकसभा सदस्य रहे थे। वे 1985, 1990 और 2000 में विधायक चुने गए थे। शकील ने राबड़ी देवी के नेतृत्व वाली बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य किया था और 2004 में केंद्र में सत्तासीन रहे मनमोहन सिंह की सरकार में संचार, आईटी और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री भी रहे थे। अली अशरफ फातिमी ने भी दिया इस्तीफा। मुसलमानों के बड़े नेता माने जाने वाले अली अशरफ फातिमी ने भी राजद छोड़कर महागठबंधन को बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातिमी ने पार्टी और पार्टी के सभी पदों से मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। वे अब 18 अप्रैल को मधुबनी से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली अशरफ फातिमी ने कहा कि मैंने कहा था कि पार्टी के फैसले का इंतजार कर रहा हूं और जवाब नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। मैं आप लोगों के सामने ऐलान करता हूं कि पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड और जो भी बॉडी है जहां का भी मैं मेंबर हूं, नेशनल काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, तो उससे मैं अपने आप को अलहदा करता हूं और 18 तारीख तक इंतजार करूंगा कि पार्टी मेरे लिए कुछ विचार करे। आपसे मैं बता दूं कि 18 को मधुबनी का लास्ट नॉमिनेशन है। अगर उस दिन तक पार्टी ने कुछ नहीं किया तो मेरे लिए फिर मजबूरी होगी कि मैं पार्टी से अलग हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ तो मैं पार्टी से अलग हूँ, लेकिन अगर पार्टी ये समझती है कि मैं एक पार्टी का वफादार सिपाही हूँ और मैंने 30 साल जनता दल से लेकर राष्ट्रीय जनता दल तक 30 साल से अगर मैंने पार्टी की खिदमत की है तो मुझे रिवार्ड मिलना चाहिए, मुझे पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि हमारी पार्टी 18 तारीख से पहले कुछ फैसला करेगी और मुझे मजबूरन पार्टी नहीं छोड़ने पे मजबूर पार्टी नहीं करेगी। आप जानते ही हैं कि मिथिलांचल के अंदर और खास तौर से दरभंगा मधुबनी के अंदर किस तरह से मैंने पार्टी को सींचा है, किस तरह से अपने दोस्तों को इकट्ठा रखा है, किस तरह से राजद को मजबूत किया, ये बहुत ही मेरे लिए बहुत ही दुख का दिन होगा जब मैं पार्टी से अलग हूँगा।
तो मुझे क्योंकि अभी मैं न्यूज 18 पर एक इंटरव्यू सुन रहा था तेजस्वी जी का, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत लोगों को टिकट नहीं होता है, तो उनका अधिकार है कि इंडिपेंडेंट या लड़ने का। तो मुझे उम्मीद है कि मैं उसी हिस्से का इस्तेमाल करूंगा और इंतज़ार करूंगा 18 तारीख तक, क्योंकि इतना लंबा रिश्ता है लालू जी से, लालू जी के परिवार से और राष्ट्रीय जनता दल से और पूरे परिवार से, पूरे बिहार के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो ये मेरे लिए बहुत ही दुखदायी दिन होगा कि मैं पार्टी को छोड़ूँ। बता दें कि फातिमी मधुबनी या दरभंगा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया और इस वजह से वो अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। दरभंगा से राजद ने अब्दुल बारी सिद्दीकी को टिकट दिया है। इसके अलावा भी कई ऐसे नेता हैं जो महागठबंधन में टिकट बंटवारे से नाराज हैं और वो खिलाफत की बिगुल फूंक चुके हैं। ऐसे में जिन समीकरणों को ध्यान में रखकर सीट शेयरिंग किया गया होगा, उसके मुताबिक नतीजे न आने की संभावना ज्यादा दिख रही है। बिहार के चुनाव में जाति बेहद अहम फैक्टर माना जाता है। ऐसे में मुस्लिम समुदाय के दो बड़े नेताओं का महागठबंधन से अलग होना चुनावी जंग में महागठबंधन को कमजोर कर सकती है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।